आसमान में देख सकते हैं मासूम बेटी यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ रहे ये बेटी देखिए सदमे में जा चुके हैं। जिनकी मृत्यु है उनकी बेटी है, सबसे बड़ी है, छह बेटियों की माँ थी वो और बेटी सदमे में जा चुकी है। आप देख सकते हैं 10 साल का एक लड़का है, 6 लड़की है। क्या मांग है आप लोगों की? हमको इंसाफ चाहिए। एफआईआर दर्ज, जो अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, इंसाफ चाहिए हमको। पूरा गांव यहां पर आया हुआ था तो और जो हैं वो कहां हुए हैं? और डॉक्टर ने कही थी कि भाई दूरबीन का ऑपरेशन करेंगे, बकरी काट दिया पेट सारा, दूरबीन का तो कुछ को नहीं करा, सारा पेट काट दिया, सारा खून निकल गया। मेरी मम्मी रही कौन रही के हम बैठ के डरने तीन दिन हो गए। कौन सा हॉस्पिटल था? कौन सा हॉस्पिटल? देव ज्योति हॉस्पिटल। तीन दिन रखा था, दिखाने के लिए आई थी। तीन दिन रखा है, तीन दिन रखा दिखाने के लिए आए थे, सिर्फ दिखाने के लिए, चेकअप करवाने के लिए। चेकअप तो उन्होंने कुछ किया नहीं, और किया भी तो वो भी मेरे पापा आए भी नहीं। मेरी सिस्टर थी ये साथ में, बिना किसी कारण आपका पहले कर दिया, पहले ही ऑपरेशन कर दिया, जबकि कोई बड़ा नहीं था। अकेली आई थी और कोरे कागज पे साइन करवा लिए, ये क्या मतलब हुआ? और ऑपरेशन कर दिया, साइन करवाने के थे पेशेंट, इस पेशेंट थे। इन्होंने कितनी उम्र आपकी? 21 है। कॉलम भरा हुआ था कि नहीं? कुछ भी ना था, कोरा पन्ना था, कति कोरा पन्ना। और ऑपरेशन करने का बाद ही वो सब बताया है कि साइन करना ही। पहले ही मैं अपनी मम्मी को लेके जी हॉस्पिटल आई थी देव ज्योति में। कौन से गांव से? श्यामनगर से। ये सिर्फ अपनी मम्मी को दिखाने के लिए लेके आई थी। डॉक्टर साहब ने इसकी मम्मी को एडमिट कर दिया और बोले जी ऑपरेशन होगा। ये बोली अंकल जी हमारे पापा जी नहीं आए, आएंगे तब तक आप वेट करो। उन्होंने कोई वेट नहीं किया और 6 बजे इसकी मम्मी को ऑपरेशन थिएटर में बांट दिया। ऑपरेशन शुरू होने के बाद उसकी कोई पेट की नस कट गई। उन्होंने आध घंटे पौन घंटे अपना खुद ट्रीटमेंट किया है। उसका ब्लीडिंग बहुत ज्यादा निकल गया और ब्लीडिंग ज्यादा उसकी हालत खराब होने के बाद इस गुड़िया को बोले कि तेरे पापा को बुलाओ। अभी 8% कहाँ से पापा को लेके आएगी? समझते हो आप इस बात? ये लड़की घबरा गई, इसने इसके पापा के पास फोन किया, पापा आप जल्दी आओ, मम्मी की कंडीशन खराब हो गई। इसके पापा जी हमारे श्यामनगर से रेवाड़ी से 1.25 घंटा लगता है आने में। इसके पापा जी पूछे, उसकी कंडीशन देख के हमारे ताऊ जी घबरा गई। उन्होंने नहीं कोई एम्बुलेंस की सुविधा दी, नहीं हमें बताया भाई इसकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है, इसको आप ले जाओ। उन्होंने नहीं कोई इमरजेंसी रेफर लिखा, और एक अगर रेफर लिख के गुड़िया को बोले बेटा आप इसको रोहतक ले जाओ, ये कहाँ लेके जाएगी ये गुड़िया? ऑपरेशन कराने के बाद साइन लिया है मास्क थी। फिर इसको इन्होंने खुद एम्बुलेंस किया, इसके मामा जी के पास फोन किया, पापा जी पहुंचे हैं, फिर उसको रोहतक लेके गए हैं। उन्होंने 4 घंटे वहाँ गए रखी है, फिर उसका दोबारा जी आई वाले ने भी जी एडमिट नहीं किया था, मना कर दिया था क्योंकि केस यहीं से खराब हो गया था जी। देव ज्योति हॉस्पिटल से केस यहीं से खराब था जी, निकलने के बाद नहीं उसको आईसीयू शिफ्ट किया गया है। आईसीयू शिफ्ट करने के बाद में उसको वेंटिलेटर पे रखा गया है जी, उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अब डॉक्टर कुछ भी नहीं कह रहा, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं कि हमें तो ऑपरेशन किया ही नहीं, रोहतक वालों से नस कटे, हालांकि नस वहीं कटी है देव ज्योति हॉस्पिटल में वहीं कटी है। और यादव डॉक्टर हमारे सिस्टर बड़ी सिस्टर थी, लड़की लड़की थी, 1-8 साल का लड़का, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए बस। देव ज्योति हॉस्पिटल से हमने इंसाफ चाहिए, उस डॉक्टर से हमने इंसाफ चाहिए। पुलिस ने कंप्लेंट की थी आपने? हाँ कर रखी है पुलिस, कर रखी है पुलिस ने, लेकिन नहीं लिख रहे वो लोग, कहाँ से लिखेंगे? आतंकवादी कर रहे हैं हमारे साथ, लाठी चार्ज करेंगे, मारेंगे हमें, आपको धमका रहे हैं? हाँ बिल्कुल धमका रहे हैं जी हमें। आपके एफआईआर दर्ज नहीं क्यों कर रहे? नहीं कर रहे, अगर आप एफआईआर दर्ज करेंगे तो हम अपना चले ही नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे ये बताओ? लिख ही नहीं रहे सर, क्या करें हम बताओ? कहाँ से ला के दे इनको मम्मी? एफआईआर लिखवाने गए थे आप? क्या जवाब दिया उन्होंने? कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, साफ मना कर रहे हैं। क्यों उनका काम है, क्यों नहीं लिख रहे? हम क्या करें? कौन सा हॉस्पिटल था? देव ज्योति रेवाड़ी। डॉक्टर का नाम पता है? देव ज्योति रेवाड़ी। डॉक्टर का नाम गौरव होता है, बता रहे हैं गौरव डॉक्टर का नाम है। ऑपरेशन किया गया था, ये बच्ची साथ आई हुई थी मम्मी के, माता को पता भी नहीं था कि ऑपरेशन कर देंगे घर पे, और ठीक थी पहले, बताया के लिए आई है या नहीं है वो तो ये बताएंगे। चेकअप के लिए आई, बिल्कुल चेकअप के लिए आए थे, ऑपरेशन का पता ही नहीं।
हमारे साथ अथापाई किया पुलिस बचाने के लिए, फिर अथापाई पे उतार। बहन जी ये बताएगा सर, महिला पुलिस थी, लेडीज पुलिस थी, लेडीज पुलिस ने ही अथापाई की हमारे साथ। चार केस पहले भी बिगड़ चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुंह खोल, चार केस पहले बिगड़ चुके, कोई एक्शन नहीं कर रहे थे हमारे साथ अथापाई करने के लिए। उन्होंने मारा भी मेरे को, तभी गाड़ी से हटवाया आगे से। मेरा नाम पूनम है। पूरी घटना क्या है, मतलब किस लिए? हमारे बंदों को जैसे नारे लगा रहे थे, उनको उठा के लेके गए हैं। तो हम गाड़ी के आगे लेट गए थे, उन्होंने अथापाई करके हमें गाड़ी से आगे से हटाया है। बोले यहाँ पे मत लेट आगे, यहाँ पे मारे भी हैं, मार मार के छुटवाया गाड़ी। देखो देखो ये हटो यहाँ पे, लेडीज पुलिस ने मारा है मेरे को, लेडीज पुलिस को। तुम क्या चाहते हो आप? क्या हमें इंसाफ चाहिए जी, हमारी कंप्लेंट दर्ज करा, हमारी रिपोर्ट दर्ज की जाए, हमारी FIR दर्ज कर जाए, हमें न्याय मिले, हम यही चाहिए, हम यही चाहते हैं। बेटा आप बोलो पूरी बात, बोलो बेटा। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। बेटा क्या पूरी घटना है, क्या चाहते हैं आप? मैं अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेके गई थी देवभूमि हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए कि मैं क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने बोला कि पथरी की मतलब प्रॉब्लम है मेरी मम्मी को। तो हम पथरी का ऑपरेशन के लिए गए थे कि भाई वो बोले कि दूरबीन वाला ऑपरेशन हो जाएगा। हम सोचे भाई ठीक है, दूरबीन वाला हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। तो फिर उन्होंने हाथ वाला कर दिया और उससे उनसे कोई नस कट गई, जो ज़्यादा है ब्लडिंग निकल गया उससे, फिर ज़्यादा ब्लड निकल गया उनसे। और फिर बोले कि भाई आप ले जाओ इनको यहाँ से, अब कुछ नहीं हो सकता, इधर हार्ट वाले सर्जन करेंगे उस नस को ठीक। और फिर वहाँ जाके भी कुछ नहीं हुआ, बताया भी लास्ट में बताया 2 घंटे के बाद, हाँ 2 घंटे बाद बताया मुझे। फिर उन्होंने साइन लिए हैं कोरे पेपर पे। उसके बाद वो बोले कि भाई ले जाओ इनको यहाँ से, 2 घंटे के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग। और कोई एम्बुलेंस कुछ भी नहीं करके दिया, सीधा बोले कि ले जाओ यहाँ से, बस इतना हुआ। फिर हम उनको रोहतक लेके गए, 4 घंटे में आए रोहतक पहुँचे। उसके बाद रेवाड़ी से वहाँ पे भी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि यहाँ पे ये नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं न्याय, हमारी FIR दर्ज करो, न्याय मिलना चाहिए। बात है ये कल की, 19 तारीख की बात है और 21 तारीख की मेरी मम्मी डेड हो गई। कितने भाई बहन हो आप? हम 6 बहन भाई। सारे सब इसको देख रहे हैं हम, ऐसा ऐसे ग्राम से ये आप देख सकते हैं, श्याम नगर गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और परिजनों का कहना है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। एक निजी अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही से इनकी एक मां की जान गई, जिनके 6 बच्चे थे, और पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही इनका मामला दर्ज किया है। और यहाँ से भी बताया गया है कि परिजनों को जबरन पुलिस द्वारा उठाया गया है और इनके साथ मारपीट भी की गई है पुलिस द्वारा। तो इस तरह से एक निजी अस्पताल के डॉक्टर की तानाशाही देखिए आप, किस तरह से रेवाड़ी शहर में पनप रही है। क्या बोल के लेके गए जी? कुछ बोला बाला को नहीं मारा, चिपटा लिपटी माजगार गाड़ी में धक्का मुकस केस लेगा। क्या कर रहे थे आप उस समय यहाँ पे? हम सब खड़ा था, हमने हमारी FIR लिखो इसलिए खड़े हम जी। FIR आपकी नहीं ली गई? नहीं, हम कल सुबह से खड़े हैं यहाँ पर, हम कल से खड़े यहाँ, हाथ जोड़ जोड़ के कह लिया जी मेरी FIR लिखो, लिखे नहीं रहे। ये परिजनों का विलाप आप देख सकते हैं, किस तरह से परिजन विलाप करते हुए जो माँ गुजरी है, उनके 6 बच्चे हैं जिनकी बेटियों को होश तक नहीं है, इस कदर परेशान परिजन। और परिजनों का कहना है कि पुलिस ने भी हम पर ही कार्रवाई की, जबकि डॉक्टर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डॉक्टर की ना कार्रवाई की,
आए हुए थे नहीं होता है। इस तरह महिलाएं रो रही हैं और रेवाड़ी का नागरिक अस्पताल जिला नागरिक अस्पताल के तमाम नागरिक यहां पर बने हुए हैं। क्या नाम है, क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर ने गिरफ्तार करना चाहिए और हमने न्याय दे छह लड़की से न्याय चाहिए। हम इतना न्याय नहीं देंगे ना, इतना हम मानते नहीं। जा नहीं जी, चार दिन छुड़े रहना। अभी कहाँ तक जांच हुई है? अभी कहाँ तक जांच हुई है? कुछ भी जांच नहीं हुई, तक कुछ भी नहीं हुआ सर। धक्का की क्या से देश में फैल दिया, मारी मारे बीरबानिया का हाथ पकड़ पकड़ रोड पर घेर दिया। जेंट्स भी आए हुए थे, लड़कियां ने ना लगाई आप लग गया बीरबानिया का। साथ बात तो न्याय करो बुढ़ा आदमी से, और वो भी मजदूरियों से मिल जाए तो कर ले, नहीं नहीं करे। वही दाना कह रही थी वही करे थी। कौन से हॉस्पिटल की घटना है, क्या न्याय के लिए? देखिए किस तरह से परिवार, ये परिजन विलाप कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनके सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ पुलिस द्वारा भी यहाँ इनके साथ बताया गया है कि अत्याचार किया गया है, पुलिस द्वारा जबरन पकड़ा गया है महिलाओं को, और डॉक्टर के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है जिनको ये दोषी बता रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे ग्रामीण जो है गांव के श्याम नगर के यहाँ पर बने हुए हैं। जब हमारी एक बहन मरी है, हम भी मरने के लिए तैयार है, हम रेडी है मरने के लिए, कोई बात नहीं। पुलिस लाठीचार्ज करेगी कोई बात नहीं, हम नहीं बैठेंगे। हमें अपनी बहन के डेथ से ना 8000 रुपए देंगे। मम्मी ये बताओ देवज्योति लाके देगा, बच्चे किसके सारे लाएंगे ये बताओ? लाके देंगे ये से लाके देगा राज मिस्त्री कैसे करेगा? पैसे देखो खाली है, हम कहाँ जाए? हमें न्याय भी नहीं मिल रहा, नहीं बैठेंगे। पोस्टमार्टम नहीं होगा, नहीं होगा। एफआईआर लगा रहे हैं, गरीब से गरीब मजदूर से तरह की भी लाके देंगे। मम्मी हम यही बैठेंगे, चार दिन पाँच दिन जब तक हमें मम्मी आप भी।